हमारा YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम टिप्स। आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू सीरीज रीजनिंग की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था। चलिए तो देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है डायरेक्शन, थोड़ा भी इंट्रोडक्शन ही है ये, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है चैप्टर में। देखिए डायरेक्शन का जो चैप्टर है वो उसमें 3 to 4 टाइप्स बनते हैं, ठीक है। वो सारे हम वन बाय वन करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए जो डायरेक्शन चैप्टर है आपका, तो वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है जो हमारे डायरेक्शन है, ठीक है। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो जितने भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अब ये ग्राफ जो है ईस्ट वेस्ट, हिंदी में बताती हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब ये जो होता है दो पोर्शन में डिवाइड होता है, नॉर्थ जो होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और साउथ भी दो डायरेक्शन में डिवाइड होता है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अगर कोई पर्सन यहाँ पर है तो आप उसे किस कहाँ पर बताओगे, कौन सी डायरेक्शन में है वो, ठीक है, कौन सी दिशा में है वो। तो आप क्या कहोगे कि वो साउथ वेस्ट में है, क्योंकि साउथ के लिए तो आपको यहाँ पर होना होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर है तो आप उसे क्या बोलोगे कि वो साउथ डायरेक्शन में है। अगर कोई यहाँ पर है तो उसे बोलोगे आप नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। बट लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है वो पर्सन, तो आप कहाँ पर बताओगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना ये है, देखिए जो हमारी डायरेक्शन होती है वो भी हमारी वॉच की तरह होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है, मैंने लिखा है अगर हम उसको 12 मेंशन करें, इसको 3 मेंशन करें, इसको 6 मेंशन करें, इसको 9, मतलब 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे, ठीक है। जो टाइम जो मैंने क्लॉक यहाँ पर बनाई है इस तरीके से, तो इस तरीके से चलता है हमारा जो डायरेक्शन का सारा प्रोसेस होता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। एक होता है इसमें क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमको क्लॉकवाइज जाना है तो, जैसे अगर हमको क्लॉकवाइज जाना है तो हम क्या जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अगर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाना है मतलब उल्टा जाना है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, लेफ्ट में जा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब देखिए अगर हम इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे तो ये सारा चीजें पहले समझ में आ जाए, तो बहुत ईजी हो जाता है सारी चीजों को समझने के बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए एक बार और से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। अगर आप सबसे पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए कि आपको किस, और आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट राइट दाया बाया, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है लेफ्ट राइट दाया बाया में, ठीक है। तो जो हमारा दाया होता है वो हमारा राइट होता है, ठीक, और जो बाया होता है वो हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है, हिंदी में। देखिए ये जो चार्ट है, ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये जो नॉर्थ है और जो साउथ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर पर्सन यहाँ पर मेंशन है तो उसको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बोलोगे, ना कि साउथ में बोलोगे, ठीक है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आप हमेशा राइट में जा रहे हो, और अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था, तो अभी हम रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे इससे।